अपने शेख तरीकत मुर्शिद बरहक वारिस उलूम आला हजरत हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अज़हरी नव्वर अल्लाह मरकदहू के एक मशहूर ज़माना नात से करता हूँ, लेकिन मैं तर्ज नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, आप लोगों को मैं तहते लफ्ज में पेश करता हूँ। मेरे हजरत जी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आबो गिल में नूर की पहली किरण, आप मींस पानी गिल माना मिट्टी, क्योंकि आप लोगों को नहीं सुनाना है, इनको सुनाना है, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप हैं, और या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तनहा आप हैं, और आपकी रूयत है दीदारे खुदा, आपको देखना अल्लाह को देखना, मन रानी फकद राल हक, आपकी रूयत है दीदारे खुदा, जलवा गाहे हक ताला आप हैं, या रसूल अल्लाह आपकी तलात जो देखा जान दी, सबकी तमन्ना है ना, मेरी भी ख्वाहिश है, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्ते नजा आए दीदार अता करना, जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा मैं तनहा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूरे खुदा करना, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, चूंकि आका की जलवा गरी होगी नजा के वक्त भी कब्र में भी, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हजरत ने अर्ज किया कि आपकी तलात जो देखा जान दी, या रसूल अल्लाह आपकी तलात जो देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और ये पूरी नात सिर्फ पढ़ता हूँ दो मिसरों के लिए, और सिर्फ अभी यहाँ नहीं पढ़ता आपके सामने, बल्कि गाड़ी जब ड्राइव भी करता हूँ उस वक्त भी पढ़ता हूँ, तन्हाई में भी पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ के वो दो मिसरे क्या है। मेरे हजरत ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आपकी खातिर बनाए दो जहां, या रसूल अल्लाह आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अल्लाह ने अपने लिए किसको बनाया तो आपको बनाया। और मक्ता में शेख ने अर्ज किया है कि बर्दे, पहला मिसरा फारसी का है लेकिन समझ में आएगा, बर्दरत आमद गदा बहरे सवाल, आपके दर पे अख्तर रजा सवाली बन के हाजिर है, और क्यों ना हाजिर हो कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। या रसूल अल्लाह, देखिए इकबाल जिसे जीनियस ऑफ इश्क कहा जाता है ना, जिसे अब करीब शर्क कहा जाता है, इकबाल की फिक्र ये थी कि डॉक्टर इकबाल ने कहा कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उज्र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी ना गुजेर, अज निगाहे मुस्तफा पिनहा बगीर। ऐ अल्लाह तू गनी है हम फकीर हैं, इतना करम कर कि कयामत के दिन हमारा हिसाब ही ना हो, और अगर हिसाब हो ना रसूलुल्लाह की निगाहों से छुपा के हिसाब हो, क्यों, इसलिए कि कहीं मेरे आका इरशाद ना फरमाए कयामत के दिन मैदान महशर में कि मेरी उम्मत में इकबाल भी था जो गुनहगार था। इकबाल की फिक्र अपनी जगह है, इकबाल की फिक्र अपनी जगह, लेकिन करोड़ों सलाम हो नकी अली खान के शहजादे की तुरबत पर, मेरा इमाम इमाम के कलम की तहारत पे सलाम हो। इमाम कहते हैं कि बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें, यहाँ तो आलम यह है कि वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल इजार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और उस वो बारगाह है कि जिस बारगाह में नो नेवर नथिंग नट, इस तरह का कोई लफ्ज ही नहीं है, वहाँ सिर्फ हाँ हाँ है, वाह क्या जूदो करम है, शहबत हा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, और क्यों ना हो भाई वो बारगाह आका अली सलाम की बारगाह है। मेरे इमाम अर्ज करते हैं कि तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सबका तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तो इसी तनाजुर में हजरत ने अर्ज किया कि बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, हो भला अख्तर का दाता आप हैं, मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। अब जरा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अब मैं शुरू कर रहा हूं, तो जरा इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाइए। हमारे अख्तर भाई को पता है कि मैं चूंकि बहुत ज्यादा
जोश और जज्बात में तो खिताब नहीं करता, लेकिन बहुत इत्मीनान से गुफ्तगू करूंगा, काफी कंसंट्रेट होके इत्मीनान और सुकून से आप समाप्त करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बातें आपको मिलेंगी। और इस उम्मीद के साथ कि मैं उम्मीद करता हूँ, चूंकि मेरी बेटियां, मेरी माए, मेरी बहनें भी कसीर तादाद में मेरी दाई जानिब इस वक्त यहाँ बैठी हुई है सामने, हालांकि ये पोजिशन तो नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, वो मुझे नहीं देखती या किसी खतीब या शायर की नजर भी, नजर उला भी उन पर ना पड़ती। और इधर जो मेरी बाई जानिब आप लोगों की तादाद है, तो आप हजरात भी मेरी गुफ्तगू को गौर से समाप्त करने की कोशिश करें। हाजरीन मोहतरम, चूंकि हमारा ताल्लुक जिस मुल्क से है, ये मुल्क इंडिया है, यानी भारत है, भारत की सरहद सीमा और भारत की कण कण और भारत के एक एक जर्रे से हमें और आपको मोहब्बत है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गुलामी पे कि जिस मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में एक ऐसे निजाम को एस्टेब्लिश किया कि आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई दीन है तो दीन फितरत इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। अब जरा तवज्जो रहे तो मेरी बात समझ में आएगी। ये और जो ये सड़कों पे जो हमारे बच्चे घूम रहे हैं उनसे भी मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि सामने काफी जगह खाली है, आप बेमतलब के उधर खड़े हैं, अगर गुफ्तगू थोड़ी देर आपको समाप्त करनी है तो आप यहाँ सामने की जगह को पुर कर दें और इसे आप मुकम्मल करें। और सड़कों पे बेमतलब आप मेला बाजार में कोई गुब्बारे की दुकान पे खड़ा है तो कोई मिठाई की दुकान पे खड़ा है तो कोई खुशबू की दुकान पे खड़ा है, साहब अजीब गरीब माहौल आपने क्रिएट किया है और बना लिया है। ये जलसे एक ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत ये जलसे नहीं होते, बल्कि इन जलसों में हम आते हैं ताकि दीन सीखें और एक दूसरों तक दीन की बातों को पहुंचाएं। और हमारे सीमांचल जोन में खासतौर से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में तो रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना एक एक नहीं बल्कि 20-20, 50-50 जलसे हो रहे हैं, लेकिन जलसों का असर क्या मुरतब हो रहा है वो आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि ये मेला बाजार नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि सुकून की महफिल है। आप हजरात से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि पीछे जो लोग खड़े हैं आके यहाँ सामने की जगह को पुर कर दें, सामने की जगह को भर दें। हजरात जो है खास तौर पे जो लोग खड़े हैं उसको बैठा दिया जाए ताकि कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो अब जरा तवज्जो के साथ सुने, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। एक चीज याद रखिएगा, हम जिस दीन को मानते हैं ना, इस दीन की अंग्रेजी नहीं आती है, मजहब की अंग्रेजी रिलीजन है, लेकिन दीन ये की बात नहीं कर रहा है अल्लाह मजहब किबला, बल्कि ये दीन की बात कर रहा हूँ। ये दीन दीन फितरत है, ये वे ऑफ द लाइफ यानी जिंदगी गुजारने का रास्ता अगर कोई दीन फराहम करता है तो दीन इस्लाम है। इस्लाम चंद रस्मों का नाम नहीं है, इस्लाम का अपना एक निजाम इबादत है जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, लेकिन इस्लाम आपको ट्रैफिक का निजाम समझाता है, इस्लाम आपको सड़कों पर चलने का तरीका बताता है, गुफ्तगू का आदाब कोई सिखाता है तो इस्लाम आपको सिखाता है। सड़कों पर चलने का तरीका क्या है, कॉलोनी कैसे बसानी है, कहां किस तरफ बैठना है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, भाई की जिम्मेदारी क्या है, बहन की जिम्मेदारी क्या है, सारी चीजों के बारे में खुल के अगर कोई हमारी रहनुमाई कर रहा है तो पैगंबर इस्लाम हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरे प्यारे आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों मैं तुम सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ यहाँ पे ये पिपरा या सिर्फ कन्हेरिया या सिर्फ ये ढगर या सिर्फ बाईसी, ये सिर्फ इस जोन के मेरे आका रसूल नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्सल रसूल मुस्तफा जाने आलम हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं मेरे दोस्तों और मेरी कौम के नौजवानों, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन आप इसे रिकॉर्ड करें, तन्हाई में 10-20 बार सुने तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। मैं अर्ज ये करने लगा आपको और बताने लगा कि चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कुछ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, एक सार्वभौमिक सत्य है, और इस्लाम की मानवीयत जिस तरह सीमांचल जोन के लिए है या इस्लाम की मानवीयत जिस तरह मक्का, मदीना, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम और अरब के खित्तों के लिए है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजिल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, या जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, या लक्जमबर्ग हो, या बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, सारी कायनात के लिए दीन फितरत है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मुझे आप बताइए आज इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में कौन रसूल पाक की सीरत को लेकर जा रहा है, मेरे दोस्त
तो हमारे मुबल्लिगीन बाद में पहुंचे हैं, आका की डायनेमिक पर्सनालिटी पहले पहुंची है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुतासिर कुन शख्सियत है जो लोगों को अपनी जानिब मुतासिर कर रही है। यही वजह है कि आज दुनिया का पढ़ा लिखा तबका इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के करीब आ रहा है, लेकिन भारत की धरती पे चूंकि जिसकी जबान में जिसके मुंह में जो आए वो बोलना शुरू कर देता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दक्षिण भारत में एक स्टेट है जिसे स्टेट का नाम कर्नाटक है, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल नहीं है, हिजाब इज नॉट एसेंशियल इन इस्लाम। मैं पूछना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज हमारे पर्दा के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, चूंकि मेरी बेटियां मेरी माएं और मेरी बहनें भी मौजूद हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं, आप जरा सोचिए कि किसी हाई कोर्ट का कोई जज ये फैसला सुनाए कि इस्लाम का बुनियादी हिस्सा पर्दा नहीं है तो हम उसकी बात को मान लेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह की किताब सुपीरियर है, हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा और आका इस्लाम की सीरत तैयबा काफी है, हमारे लिए रोल मॉडल किताब सुन्नत है, यानी अल्लाह की किताब पुराने मुकद्दस और मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आप जरा देखिए तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह तो ये इरशाद फरमा रहा है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूने अमल है, क्योंकि मेरे आका एक यूनिवर्सल पैगंबर हैं, सारी कायनात के रसूल हैं, तो आपकी जिंदगी भी पूरी दुनिया के खित्तों के लिए है। अब आप जरा देखिए, आज इस्लाम की छोटी छोटी चीजों पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। भारत की धरती पे जिसको लेटरिन करने का तरीका नहीं पता, बाथरूम के पेन में बैठने का तरीका नहीं पता, जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं पता, मोछ किस तरह रखनी है ये भी जिसको नहीं पता, वो आके इस्लामिक लॉ का मजाक उड़ाता है। साहब ये दाढ़ी पे वो कमेंट कर रहा है, कुर्ता पजामा पे वो कमेंट कर रहा है, तो कभी जुब्बा और इमामा पे वो कमेंट कर रहा है, तो कभी वो नकाब पे कमेंट कर रहा है। लेकिन मैं आपसे खास तौर से कहना चाहूंगा कि इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नकाब कैसे है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वकर नफी बुयूतकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, ऐ पैगंबर आप हुक्म दीजिए, आप उनसे कहिए उन खवातीन से कि अपने घरों को लाजिम पकड़ ले और जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके मटर गश्तियां ना करें। आज मैं पूछना ये चाहता हूँ, आज मेरी बेटी अगर जलसे में आ रही है, मेरी बेटी मेकअप लगा के अगर उर्स की तकरीब में पहुंच जा रही है, फला पीर साहब आने वाले हैं, फला मुकर्रर आने वाले हैं, फला शायर आने वाले हैं, चलो चलती हैं और तकरीर सुन लेती हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटी मुझे पता तो सही, किसने तुमको ये समझा दिया कि जलसे में जाने पे तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा? किसने तुमको समझा दिया कि बेपर्दगी का तुम मुजाहरा करोगी और पीर साहब के रुखे अनवर की ज़ियारत कर लोगी तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? मेरी बेटी मुझे समझाओ तो सही, किसने तुमको समझा दिया कि उर्स की तकरीब में जाने से तुम्हें सवाब मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, अरे इन जलसों में आने से बेहतर तो ये होता तुम अपने घर में मौजूद होती, मुसल्ला बिछाती, हाथों में तस्बीह होती और लबों पे दुरूद होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। मुझे आप बताएं इस पूरी खवातीन में इतनी भीड़ है औरतों की और मेरी बेटियों मेरी बहनों की, कितनी परसेंट खातून इसमें मुनक्कबा है यानी मुकम्मल नकाब पहनी हुई है? अभी तो यही इशू क्लियर नहीं हुआ कि हिजाब है कि नकाब है। हमारा जो मौकिफ है वो नकाब का है, हिजाब का मौकिफ नहीं है। हम मुनक्कबा की बात करते हैं, यानी खातून को अपने चेहरे को भी गैर महरम से छुपाना है, पूरे वजूद को छुपाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ सूरतुल अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया कि अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और जरूरत शरई की बुनियाद पे अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो एक महरम तुम्हारे साथ होना चाहिए, कोई गैर महरम तुम्हारे साथ ना हो बल्कि महरम कोई मर्द तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आज किस तरह कुरानी अहकाम की धज्जियां मेरी बेटियां उड़ा रही हैं, मेरी बेटी बेपर्दा घूमेगी? अब कोर्ट में कोई वकील तो कह देगा ना कि गुलाम गौस कादरी की बेटी बेपर्दा घूम रही है, अब कोर्ट में कोई वकील पेश करेगा कि अगर ये मौलाना है बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और लोगों को हिजाब और पर्दे के बारे में खिताब करते हैं और लोगों को समझाते हैं, उनकी बेटी खुद बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है और फिर ये इशू पेश करेंगे कि कभी तो हिजाब लगाती हैं, कभी तो नकाब लगाती हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, अहले सुन्नत और जमात के मुकद्दस उलमा का जो मौकिफ है वो मुकम्मल नकाब का मौकिफ है, मेरी बेटी मुकम्मल अपने वजूद को छुपाएगी, मेरी बहन नकाब में रहेगी। और कुरान मुकद्दस के अंदर सूरत नूर के अंदर खुल खुल के बता दिया गया साहब मेरे दोस्तों, वहां पे तो खोल दिया गया कि पर्दा किन चीजों का करना है, जिस्मानी जो बनावटें हैं जो मर्दों को अपनी जानिब अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करती हैं उन चीजों को का पर्दा करना है और खैर महरम के सामने अपने ऊपर चादर को डाल लेना है। मुझे बताइए वो चादर की क्या कैफियत है। आज मेरी बेटी जो नकाब पहन रही है एक तरह से खुद बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है। नकाब तो ऐसा हो मेरी बहन का कि 15 साल की बेटी नकाब पहने या 70 साल की माँ नकाब पहने, पता न पड़े कि एक नकाब में 70 साल की माँ है या किस नकाब में 15 साल की बेटी मौजूद है। ये नकाब की कैफियत होनी चाहिए। जलसा में आती हो मेरी बेटी, चलो किसी महरम के साथ तुम आ गई, लेकिन मुनक्कबा हो कि तुम्हें आने की जरूरत है, बेपर्दगी का मुजाहरा न हो। पहले तो जलसा में आना ही नहीं चाहिए था और अगर आ भी गई तो पूरा वजूद छुपा के आने की जरूरत है। और याद रखिएगा इस्लाम सिर्फ औरतों को पर्दा की बात नहीं करता। जहां औरतों को हुक्म दिया गया कि गैर महारिम से अपने वजूद को बचाएं, वहां मर्दों को भी हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, किसी गैर महरम पे नजर ना पड़े। आप मुझसे कहिएगा गुलाम गौस कादरी, देखने से क्या होता है, हम किसी को देखने क्या फर्क पड़ जाता है। मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों आप क्या दीन को जानते हैं। आइए जरा हम उनसे पूछते हैं देखने और न देखने की बात। ये कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, सैयदना सरकार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जरा पूछिए। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह रास्ता में चलता हूँ, नजर किसी पे पड़ जाती है, किसी गैर महरम पे। आका ने इरशाद फरमाया, अन नजरतुल उला लक वन नजरतुस सानिया अलैक, पहली नजर अगर उड़ती हुई पड़ गई ये तो तुम्हारे लिए माफ है, लेकिन बार बार किसी को देखना, दूसरी नजर डालना, ये तुम्हारे लिए गुनाह का काम है। अल्लाह अकबर। आप कहते हो देखने का असर नहीं पड़ता, ये मेरे पास मोबाइल है मेरे दोस्तों, देखने का कितना असर पड़ता है। अभी अख्तर परवाज नईमी साहब के बिला की नात हमने शुरू किया और हमने यूट्यूब पे देखना शुरू किया। अब हमें नहीं पता इनके कितने व्यूअर हैं या क्या क्या है, लेकिन इसी बीच में एक एड आ गया और उस एड के जरिए फहाशी और बेहयाई फैलाने की जो कोशिश की जाती है, इससे इस इन शायर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाले एड डाल दिए। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम फौरन स्किप करें और स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम उन बेहयाइयों को, उन बेहंगम दृश्य को अगर हम देखेंगे तो यकीनन हमारे ऊपर असर पड़ता है। आप कहेंगे असर नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा यही NH727 की बात करूंगा। आप चले हैं वहां गुलाब बाग से और आपको किशनगंज जाना है, इस बीच में किसी सड़क के किसी मोड़ पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है या यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए, खून का फव्वारा जारी है, वो इंसान काफी परेशान है। अब 5 किस्म के लोग उस मंजर को देख रहे हैं। एक्सीडेंट को 5 लोगों ने देखा, एक शख्स देखा, देखने के बाद बेहोश हो गया। दूसरे शख्स ने देखा, रात का खाना छोड़ दिया। तीसरे शख्स ने देखा, उसे गोद में उठाया, डॉक्टर के पास लेके चला गया। चौथा शख्स देखा, उसे 4 दिन तक नींद नहीं आई। पांचवा शख्स देखा, वहां से भाग गया। आप कहोगे मौलाना देखने का असर नहीं पड़ता, गुलाम गौस कादरी अरे हम देखेंगे किसी को क्या असर पड़ता है। तो मैंने कहा कि एक एक्सीडेंटल केस को 5 लोगों ने देखा और 5 तरह का तासुर लिया। याद रखना देखने का असर है। यही वजह थी कि मुकन्निने आजम पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उन बेहयाइयों का दरवाजा बंद कर दिया और मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि तुम भी अपनी निगाहों को झुका के चलो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। आओ लोगों, आज हमारी बेटियों को समझाया जाता है, मेरी माओं और मेरी बहनों को समझाया जाता है। कारी तौसीफ साहब तबला आज टीवी चैनल पर बैठने वाली ग्रेटर नोएडा में एसी चैंबर पे मेकअप लगा लगा के बैठने वाली ये भूतनी ये कहती है सब कि इस्लाम ने लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, इस्लाम में लड़कियों को कैद कर दिया गया, लड़कियां परेशान है। एक बाप बेटी पे जुल्म कर रहा है, एक भाई अपनी बहन पे जुल्म कर रहा है। मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम किस आजादी की बात करती हो। अगर मेकअप लगा के ग्रेटर नोएडा के किसी चैनल के ऑफिस में आके बड़ी बड़ी बात करना, इसका नाम आजादी है, तो तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। तुम किस आजादी की बात कर रही हो? एयर होस्टेस बन के हजारों और सैकड़ों मुसाफिरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के चाय पेश करना, अगर इसका नाम आजादी है तो तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। रिसेप्शन काउंटर पे स्कर्ट पहना के
बेटी को बैठाना अगर इसका नाम आजादी है तो तुम्हें आजादी मुबारक हो। मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मेरी बेटी को ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मेरी बहन को ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यानी औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई थी, उस इंकलाब के बाद दुनिया ने दुनिया को यह पैगाम दिया था कि मर्द के शाना बशाना औरतें भी काम करेंगी, औरतें भी ऑफिस जाया करेंगी, औरतें भी इकोनॉमिकली फ्री होंगी। क्या पता चला साहब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नतीजे में औरतों को इकोनॉमिकल फ्री करने की आजादी दी गई। आज दुनिया आजादी की बात कर रही है। लोगों मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अगर एक बेटी और एक बहन किचन में रह के अपने बाप के लिए चाय बना दे, एक बहन अपने भाई के लिए चाय बना दे, तो फिर ये दकियानुसियत हो जाती है। फिर ये मामला होगा कि साहब वो तो ओल्ड मॉडल खातून है और वही खातून एयर होस्टेस बनके सैकड़ों के सामने मुस्कुरा के चाय पेश कर दे मुसाफिरों के सामने, तो फिर साहब ये आजादी है, ये मॉडर्न जमाना की खातून हो गई। एक बेटी अगर पर्दा रह के अपने बच्चों की तरबियत कर रही है तो ये दकियानुसियत हो जाएगी, और वही बेटी अगर स्कर्ट पहन के रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए तो ये आजादी हो जाएगी। दुनिया को आजादी मुबारक हो। मेरी बेटियों लात मारो ऐसी आजादी पे जिस इक्तसादी आजादी की बात दुनिया कर रही है और माशी तौर से खातून को मुस्तहकम करने की बात दुनिया कर रही है। अरे कुर्बान जाओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात जो निजाम पूरी दुनिया के सामने पेश किए। आपने बेटियों को किस तरह इक्तसादी आजादी अता फरमाया है, बाप की जायदाद में भी बेटी का हक रखा जा रहा है, भाई के विरासत में भी बेटी को हक रखा, ये बहन का हक रखा जा रहा है। अब वो माँ होती है, बेटे की जायदाद में भी माँ का हक मौजूद है, बीवी है शौहर के यहाँ भी उसका हक मौजूद है। कहाँ कहाँ से इस्लाम उसको हक दिला रहा है, इकोनॉमिकली तौर से आर्थिक रूप से एक बेटी को अगर किसी ने स्वतंत्र किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आजाद किया है। अरे आजादी दुनिया को मुबारक हो, हमें आजादी नहीं चाहिए। मेरी बेटी के लिए सैयदा ज़ैनब की जिंदगी चाहिए, सैयदा फातिमा की जिंदगी चाहिए। अरे मेरी बेटी तुम जाओगी कहाँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे बता तो सही आखिर किससे पैगंबर फरमा रहे हैं, वकरन फी बुयूतकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियत अलूला। अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर उनसे कहिए वो कौन खातून है, तो उसमें तो हजरत ज़ैनब बिनत जहश है, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा है, हजरत उम्मे सलमा है, हजरत जुवैरिया है, हजरत मारिया क़िबतिया है, हजरत रैहाना है, हजरत मैमूना है। यानी ये वो खवातीन है कि जिनका ताल्लुक उम्महातुल मोमिनीन से है, उनसे कहा जा रहा है अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। आज मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, अपनी माओ से कहूंगा कि अपने ऊपर नकाब को लाजिम कर लें। नकाब इस्लाम की बुनियादी चीज है और पर्दा इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। आप कहोगी के हम कैसे पर्दा करें, तो मैं आइए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा, ये पर्दा कैसे करना है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं, पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात उनके हुजरा में हैं। इतने में एक सहाबी आते हैं जो नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकते, नाम उनका अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जब ये तशरीफ लाए, मेरे आका ने हजरत आयशा को हुक्म दिया, आयशा पर्दा कर लो, आयशा पर्दा कर लो। सैयदा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, ये तो मुझे नहीं देख सकते। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये तो मुझे बताओ, ये तुम्हें नहीं देख सकते लेकिन तुम तो इनको देख सकती हो। अल्लाह अकबर, ये पर्दा का कॉन्सेप्ट है, ये पर्दा का तसव्वुर है। इसलिए मैं कौम की बेटियों से कहूंगा कि कोर्ट का क्या फैसला है और कोर्ट क्या कहे उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी प्रैक्टिकली लाइफ मुकम्मल बापर्दा होनी चाहिए, हम मुनक्कबा होकर कहीं भी निकलें बाहिजाब। आप कहेंगी नकाब के बाद हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो मैं कहूंगा इस्लाम में एक हद है और एक हुदूद है। इस्लाम रोकता कहां है आपको, मुझे बताइए तो। ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं, मदीना की सरजमीन पे जहां हदीस की तालीम दे रही हैं, जहां हजरत आयशा फिकह पढ़ा रही हैं, जहां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां के लोगों को अखलाकियात की तालीम दे रही हैं, वहीं पे हजरत आयशा, मुझे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीका उस वक्त पूरे मदीना में सबसे बड़ी अगर गायनेकोलॉजिस्ट प्रसूति रोग विशेषज्ञ अगर कोई खातून थी तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह सुभान। फिर मेरी बेटी पूछेगी मुझसे कि फिर हम करें तो क्या करें, मैं कहता हूं बेटियों तुम्हारा मकाम तो इतना बुलंद है ना,
कि तुमने इस कौम को गौसे आजम पाल के पेश किया है। अरे वो भी तो एक माँ थी ना जिसने दुनिया के सामने गरीब नवाज पेश किया है। लाओ दुनिया में ऐसी माँ को कि जिसका बेटा मोहम्मद इब्ने कासिम हो, लाओ उसी माँ को कि जिसका बेटा तारिक इब्ने ज़ियाद हो। अरे वो मेरी माँ थी जिसने दुनिया के सामने कुतैबा इब्ने मुस्लिम पेश किया था। आपको पता है मोहम्मद इब्ने कासिम, तारिक इब्ने ज़ियाद, कुतैबा इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद अल फातह 21 साल का वो जवान है और इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है। आप मुझे बताएं 18 साल का मोहम्मद इब्ने कासिम, वो भी तो किसी माँ का बेटा था, भारत की धरती पे तशरीफ लाया और आने के बाद 712 ईस्वी में सिंध की सरजमीन को फतह कर रहा है और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि वो जवान राना इस्लाम की तबलीग कैसे कर रहा है। वो भी तो एक माँ थी ना जिसने दुनिया के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पेश किया। वो भी तो एक माँ थी ना जिसने नूरुद्दीन जंगी को पेश किया है। लाओ दुनिया में किसी ऐसी माँ को कि जिसका बेटा औरंगजेब आलमगीर हो, औरंगजेब आलमगीर जिसने पेश किया। वो भी तो एक माँ थी ना जिसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को पेश किया। और मैं कहता हूँ इन माओं को छोड़ो, अरे एक माँ मौजूद है कि जिसका बेटा शेर मैसूर टीपू सुल्तान मौजूद है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान कि जिनके नाम ही से न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और न जाने कितने लोगों को दस्त आना शुरू हो जाता है। ख्वाब में अगर टीपू आ जाए हजरत तो कितने लोग रात ही में उठ के बाथरूम जाना शुरू कर दे, पेट में दर्द शुरू टीपू सुल्तान के नाम से। वो माए थी कि जिन्होंने हुसैन पाल को पाल कर दुनिया के सामने पेश किया है। वो माँ थी सैयदा फातिमा ज़हरा। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने घरों को लाजिम पकड़े और ऐसी नस्ल की तरबियत करें कि मैं मानता हूँ कि कोई गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकता लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर जाएंगे। कोई गरीब नवाज तो नहीं आ सकता लेकिन गरीब नवाज के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। घर का माहौल इस्लामी बनाइए, इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत और इस्लामी तमद्दुन अपने घरों के अंदर कायम करें। काश के ऐसा मुआशरा बनाते हम ना कि एक बेटा आंख खोलता तो अब्बू जान को तहज्जुद के मुसल्ले पे देखता। काश के ऐसी सोसाइटी की तश्कील हम करते कि एक बेटी आंख खोलती तो अम्मी जान को मुसल्ले पे देखती, कुरान की तिलावत करती हुई देखती। मेरा बेटा मेरी गोद में होता और पूछता मुझसे, बाबा ये बार बार आप मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं, ये कौन है? तो फिर हम अपने बच्चे से बताते कि बेटा पता है उनका चेहरा वद्दुहा है, उनकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है, उनका हाथ यदुल्लाह फौका इदीहिम है, उनकी आंखें वमा ज़ागल बसर वमा तगा है, उनकी ज़बान वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा है, उनका सफर सुभानल्लज़ी असरा। बेटा पूछता बाबा और भी तो जरा आसान करें, बताएं तो उनके बारे में, चूंकि बच्चों को एडवेंचर पसंद है, यही वजह है कि हमारे बच्चे पबजी और फ्री फायर में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा फ्री फायर और पबजी चौक चौराहों पे बैठ के ये हाथों में मोबाइल लेके मार मार मारा, पता नहीं किसको मारना है, आज तक हमें तो समझ में नहीं आया। ये बच्चे जानते होंगे ये पबजी और फ्री फायर में वक्त को बर्बाद करने वाले बच्चे, आज यही वजह है कि हमारे बच्चे ये बालवीर की कथाएं देख रहे हैं। हमने अपने बेटों को बालवीर की कथाओं को दिखा दिखा के नामर्दी की चूड़ियां हमने डाल दी। माँ के पास वक्त नहीं है कि बेटे को खालिद बिन वलीद का वाकया सुनाए। मेरी बेटी जानती नहीं कि तारिक इब्ने ज़ियाद कौन था और मोहम्मद इब्ने कासिम कौन थे। अरे दुनिया वालों हमारे पीछे तो ऐसे लोग मौजूद थे ना, ये वही मोहम्मद इब्ने कासिम है। डंके की चोट पे एक बाल बोलता हूँ, अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला, ये वही मोहम्मद इब्ने कासिम है कि भारत की धरती पे जब तशरीफ लाए, आज कहने के लिए तो दिल्ली के पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, लेकिन जब मोहम्मद इब्ने कासिम वापस भारत से जाने लगे तो भारत के पंडितों ने उनकी मूर्ति बना के चौक चौराहे पे नसब कर दिया था। ब्राह्मणों की बेटियों ने अपनी अपनी चादर को सड़क पे बिछा दिया था कि मोहम्मद इब्ने कासिम का घोड़ा इधर से गुजर रहा है। जब पूछा था उस वक्त के दानिश्वरों ने और उस वक्त के पुरोहितों ने कि क्या हो गया है ब्राह्मणों, तुम्हें क्या वजह है कि तुम एक हमलावर की मूर्ति बना के और उसका मुजस्मा बना के चौक चौराहे पे नसब कर रहे हो? ब्राह्मण साथियों हमें बताओ तो सही,
क्या वजह है कि एक हमलावर के सामने तुम अपनी ओढ़नी और दुपट्टे को बिछा रही हो? तो उस वक्त की खवातीन और उस वक्त के पंडितों ने कहा था कि दुनिया वालों सुनो, अरे हम क्या जाने कि मोहम्मद इब्ने कासिम कौन है, ये किस लिए आया है, हम तो उसके किरदार को जानते हैं, उसके अखलाक को जानते हैं, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब छोटे मोहम्मद का किरदार इतना बुलंद है तो जिस मोहम्मद का कलमा ये पढ़ रहा है उनका किरदार कितना बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे कहा गया मुआशरे की इस्लाह हो। अरे मुआशरे की इस्लाह कैसे आप करेंगे साहब? इकबाल तो पूरी जिंदगी कहता रहा या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, फटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसत सहरा दे, पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे, इस दौर की जुलमत में हर परीशा को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे, रिफत में मकासिद को हम दोष सुरैया कर, खुददार ये साहिल दे, आजाद ये दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। मेरे दोस्तों पूरी जिंदगी तो दुआ ये होती रही, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, चूंकि हर फर्द कौम के मुकद्दर का सिकंदर है, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझता? सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों मुसलमानों, पिपरा और अतराफ जवानिब के लोगों, मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी कौम की बेटियों, चूंकि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे तो फिर मुआशरे में सुकून कायम होगा। अफराद से एक साले एक अच्छे लोगों से सालेह मुआशरा की तश्कील होती है, मदीने की सोसाइटी की तरह। अगर अपनी सोसाइटी को बनाना है तो इस सोसाइटी में आका की शरीयत और आका की सीरत को नाफिज करने की जरूरत है, और सबसे पहला काम ये है कि बच्चों की तरबियत दीनी माहौल में अगर आप करेंगे तो यही बच्चे आगे चल के इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, और यही बच्चे कौम के मुस्तकबिल की अमानतों के अमीन होंगे। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा, मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की माओ, मेरी कौम की बहनों, बच्चों को गोद में लेके, अब मेरी बेटी मेरी गोद में हो और एक बाप अपनी बेटी को लोरी दे, एक माँ की गोद में उसका बेटा हो और माँ कहे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हमने एक सिर्फ बालवीर और पबजी और फ्री फायर के लायक अपने बच्चों को छोड़ा है, उसके अलावा तो आगे हम बढ़ने की कोशिश नहीं करते। काश कि हम अपने बच्चों को बताते, अब मेरा बेटा मेरी गोद में बैठता। अल्लामा मुर्शिद साहब किबला, आप जरा तशरीफ रखें, चूंकि उस वक्त हरे जुब्बा में थे तो मैं हजरत को देख रहा, अभी मैंने कुर्ता पजामा में भी मैंने पहचान लिया, क्या अख्तर भाई वही है ना, मौला मुर्शिद साहब किबला, माशाल्लाह। ये थोड़ी देर तशरीफ रखें, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैकी या रसूलल्लाह, सलामन अलैकी या रसूलल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा गौर से सुनिएगा, बच्चों की तरबियत, चूंकि ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल हैं, और अगर बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं ना, तो अभी ये जो नकीब साहब कह रहे थे कि क्या मधु या क्या खाने के लिए, हाँ ये गुटखा, मधु, भांग, धतूरा, सुलेशन, ये सभी सूंघता है सब, हाँ वो भी सूंघ रहा है, हमारे सिवान में, सिवान, गोपालगंज, छपरा वगैरह में ये भी सूंघा जाता है, इस तरह के नशा कर रहे हैं बच्चे। और जब वो सब लेने के बाद बच्चों की हालत ये है कि वो अपने आप को समझता है कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और जब नशा काफूर होता है तो फिर पता पड़ता है कि जमीन पे वो मौजूद है। बेशक बच्चों को बताइए कि आप अपनी बचपन और जवानी को बर्बाद ना करें, बेटा मेरी गोद में हो। और बच्चों की तरबियत 20 साल और 15 साल की उम्र में नहीं करेंगे साहब, नहीं तो मौलाना मसीहुर रहमान साहब किबला के पास कोई जाए कि हजरत तावीज बना दीजिए, तो हजरत तो तावीज बना देंगे, तावीज भी फायदा कर जाएगा, लेकिन साहब हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। अब बेटा पूछेगा बाबा उनके बारे में और बताएं, तो फिर हम आका ले चुके, बच्चों को एडवेंचर पसंद है ना, यानी बच्चे मिराकल पसंद करते हैं, हैरत अंगेज चीजें जानना चाहते हैं,
तो मेरा बेटा मेरी गोद में हो, मेरी बेटी यहाँ बैठी हो और यहाँ बीवी हो, यहाँ शौहर, और सब जब गुफ्तगु करें तो फिर बच्चों को बताया जाए कि बच्चों पता है हमारे आका तो वो है, ये चांद आप देख रहे हैं ना, इस चांद को दो टुकड़ा किसी ने किया तो मोहम्मद मुस्तफा ने किया है। सुभान अल्लाह। फिर बताया जाए कि ये सूरज, हाँ बाबा ये सूरज है, तो मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बुलाया है मुस्तफा ने। बेशक। मेरे बेटे आपको पता है पत्थर से पानी निकलते हुए आपने देखा? हाँ हाँ बाबा मैंने देखा है। कहाँ देखा? कहा मोबाइल पे देखा, किसी सीरियल में देखा। तो कहा वो अलग चीज है, उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बच्चे इधर डाइवर्ट होंगे, बच्चों से आप पूछें कि बेटा आपको पता है कभी लकड़ी गुफ्तगू करती है, लकड़ी बोलती है? बेटा कहेगा नहीं बोलती, लेकिन हमने कार्टून में छोटू मोटू पतलू के कार्टून में देखा कि एक पेड़ चल रहा है और पेड़ बोलता है, जो कि एनिमेटेड सिस्टम होता है ना। तो अब बच्चा जब बोलेगा तो आप कहेंगे मेरे बेटे आपको खबर है, आलम ये है, आपको पता है हमारे प्यारे आका मस्जिद नबवी में लकड़ी के मेंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, और जब खुतबा देना बंद किया तो लकड़ी का मेंबर मुस्तफा की जुदाई में रोना शुरू कर दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। ये बच्चों को बताए ना, हम बच्चों को समझा क्या रहे हैं सर? हम सिर्फ बाईसी, किशनगंज, बारसोई, दालखोला यही समझा रहे हैं, और भी तो कुछ समझाए बच्चों को बच्चों को बताने की क्या जरूरत है मेरे दोस्तों? ये बताने की जरूरत है, हम क्या बताएं अपने बेटे को? मेरी बेटी मेरी गोद में हो और मेरी बेटी पूछे बाबा उनका चेहरा कैसा है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, तो हम कहें कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह। ये आसिफ साहब इन्हीं को मेरा शेर समझ में आएगा? जी जी जी। अच्छा माशाल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बेटा पूछे या मेरी बेटी पूछे, जब हम कहें कि मुहम्मदुन ज़िक्र हो रौहुन लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन शुक्र हो फ़र्दुन अलल उममी, मुहम्मदुन क़ायिमुन लिल्लाहि ज़ुहेममिन, मुहम्मदुन ख़ातिमुन लिर्रुसुल कुल्लिहिमी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रूहों की ताजगी है, उनका जिक्र हमारी रूहों की ताजगी है। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बाहिम्मत और मुस्तईद हैं। हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया हैं, खातिमुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। मेरे आका सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर मेरा बेटा पूछे बाबा और तो कुछ बताइए, तो हम कहें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। अरे बाबा अब हम करें तो क्या करें? कहा बेटा सुन, तुम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हो कि तुम पबजी और फ्री फायर खेलो, या इसलिए दुनिया में नहीं आए हो कि तुम चौक चौराहों पे अपने वक्त को बर्बाद करो। अरे तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। तो बच्चों को जब ये सब बताएंगे ना, तो यही बच्चे बड़े होंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं में से कोई शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नायब बनता हुआ नजर आएगा, इन्हीं में से कोई औरंगजेब आलमगीर का जानशीन बनेगा। बेशक। और आज दुनिया को बड़ी तकलीफ है ना शेर मैसूर टीपू सुल्तान से ना, कभी आपने गौर किया कि क्यों तकलीफ है? आज सत्ता के सिंहासन पे बैठा हुआ शख्स भी उनका नाम लेता है तो तीन बार पसीना पोंछता हुआ नजर आता है। 1799 को आप याद रखें भारत के इतिहास और भारत की तारीख का वो चैप्टर, कि जब यही कर्नाटका के श्रीरंगपट्टनम की धरती है और यही कावेरी नदी है, न जाने कितना पानी कावेरी नदी से गुजर गया होगा। कावेरी नदी के किनारे रंगपट्टनम के मैदान में जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत हुई, तो अंग्रेज कमांडर इन चीफ ने कहा था कि भारत की धरती पे अब कोई मां नहीं है कि जिसने ऐसा लाल पैदा किया हो जो हमारे रास्ता को रोक सके। ये शेर मैसूर टीपू सुल्तान, और सिर्फ ये कमांडर शेर मैसूर टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर जर्नल का नाम नहीं है, एक बादशाह का नाम नहीं है, अल्लाह के एक वली और नेक बंदे का नाम है। मेरे दोस्तों यही कावेरी नदी के किनारे रंगपट्टनम में एक मस्जिद की तामीर हुई और ऐलान हुआ कि मस्जिद को हम मगरिब की नमाज से शुरू करेंगे, लेकिन नमाज वो पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब हो, जिसकी नमाज कभी कजा न हुई हो। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े लोग थे साहेब, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़े।
13 साल का जवान शेर मैसूर टीपू सुल्तान आगे बढ़ा है। अभी नौजवानी का आलम है, जाके मगरिब की नमाज को पढ़ाया, वापस अम्मा के कदमों में गए। कहा माँ आज तो गजब हो गया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मा ये आपकी तरबियत का असर है, आपने मुझे वजू बनाना सिखाया। अम्मा तहज्जुद के वक्त जगा कर आपने तहज्जुद पढ़ना हमें सिखाया। अम्मा आपकी तरबियत का असर है कि जब से मुझ पे नमाज फर्ज हुई कोई नमाज मेरी छूटी नहीं है, मैं साहिब तरतीब हूँ। तो माँ ने कहा बेटा सिर्फ यही नहीं, यही तक महदूद नहीं, बल्कि 2 साल की मुद्दत तक, उस वक्त तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक मैं वजू नहीं बना लेती थी, बावजू दूध पिलाने का असर तेरे खून में दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो माएं थी जो बच्चों को सीरत पढ़ पढ़ के सुनाती थी। मेरा बेटा मुझसे पूछे कि बाबा बताएं उनके बारे में। लकड़ी को उठा के हजरत उकाशा इब्ने महसन के हाथों में दिया मुस्तफा ने, लकड़ी तलवार बन गई। ये भी तो आप अपने बच्चे को बताएं, अपने बच्चों को समझाएं आका अली सलाम की इबादत के बारे में, सहाबा की जिंदगी। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बेटे को सब कुछ तो पता है, लेकिन अगर हम बात करें हजरत अबू बकर सिद्दीक की, अगर बात करें दुआए मुस्तफा, तलब मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, यारे मजारे मुस्तफा, सैयदना सरकार फारूक आजम की, तो फिर हमारे बच्चे बगले झांकना शुरू कर देंगे। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, इसलिए जरूरत यह है कि सीरत तैयबा को आम कीजिए। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत की मोहब्बत अपने बच्चों की घुटनी में पिलाई जाए। बेशक मोहब्बत का जाम उनकी घुटनी में मौजूद हो और घर का माहौल इस्लामी माहौल हो, और ऐसा माहौल हो जहां आका अली इस्लाम का जिक्र हो, सुबह शाम मुस्तफा की बातें हो, सुबह शाम गुरु शरीफ पढ़ा जाए, हर माँ कुरान की तिलावत करे, हर बेटी अपनी जिम्मेदारी को समझे। मैं कहता हूँ आज का ये समाज क्यों चल रहा है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। अगर कौम का एक एक फर्द, कौम का एक एक बच्चा, एक एक बेटी, एक एक माँ, हर शख्स अगर अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीकों से समझना शुरू कर दे और जिम्मेदारी को अदा करना शुरू कर दे, तो आज का ये चलता हुआ समाज अमन शांति का गहवारा बनता हुआ आएगा, सोसाइटी में सुकून कायम हो जाएगा। इसलिए जरूरत यह है कि मदीने की सोसाइटी और मदीने के समाज के मुताबिक आप अपने मुआशरे की तश्कील दीजिए। आइए एक बात आपके सामने पेश करूं और गुफ्तगू कंक्लूड करने की कोशिश करूं, क्योंकि आज हमारे समाज में बड़ी बदमनी फैली हुई है और हर इंसान बात बात पे झूठ बोले जा रहा है। मोबाइल उठाया बेमतलब के झूठ रहेगा, अररिया में बोलेगा गुलाब बाग में, जी जी बेशक, बेमतलब के झूठ हम फैला रहे हैं। मैसेज फॉरवर्ड करके झूठ फैलाना, गुफ्तगू के जरिए झूठ फैलाना, छोटी छोटी बात पे झूठ, कभी दयादिन ननद का आपस का मामला, कभी दयादिन दयादिन का मामला, कभी सास बहू का मामला, हर जगह झूठ और लड़ाई दंगे मौजूद हैं। सुकून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। याद रखिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जवामेउल कलिम का मौजजा अता फरमाया है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक लफ्ज बोले या एक जुमला इनायत फरमाए मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत तक उस पर गुफ्तगू होती रहे, हम उसको फैलाते रहे, फिर भी आका अलैहि सलाम की बात हमारी समझ के परे है, हम समझ नहीं सकते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बस जरूरत यह है की बातों पे अमल हो जाए। आज जरा देखिए आप, मेरे हाथों में मोबाइल फोन है, हाफिज़े कुरान के हाथ में भी है, एक मुदर्रिस के हाथ में भी है, और सबके हाथ में भी मोबाइल फोन मौजूद है। अब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, बगैर तहकीक के हम आगे बढ़ा दिए, इस वजह से भी फसाद फैल रहा है। फेसबुक पे कोई बात आई, हमने शेयर कर दिया, और अफसोस तो उस वक्त हुआ अख्तर भाई के, जब एक शख्स ने 2018 के रमजान की मुबारकबाद मुझे अभी 2022 में दिया, हमने उसको कॉल करके पूछा कि ये आपने कहां पढ़ लिया है कि जो रमजान के पहली बार मुबारकबाद दे दे उस पे जन्नत वाजिब और लाजिम है, और आप 2018 की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कहने लगे हजरत हमारे पास मैसेज आया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह, अरे 22 की मुबारकबाद दे देते और ये जन्नत वाली बात कहां से आ गई? आका तो फरमाते हैं मन कसब अलैक मुतअम्मदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, मेरी तरफ झूठ जो मंसूब करे उसका ठिकाना जहन्नम है। ये छोटी छोटी बात को, हर बात को, ये हदीस शरीफ, ये हदीस शरीफ, हालांकि ऐसा नहीं है, वो चीजें, वो तमाम बातें हदीस शरीफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम धड़ल्ले से कह देते हैं और बाकी से कह देते हदीस शरीफ है। आज देखिए एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है बगैर तहकीक के, एक मैसेज को हमने शेयर किया बगैर तहकीक के, हम दो लोग आपस में बैठे हुए हैं, आपने उनसे गुफ्तगू की, वो बगैर तहकीक के उन तक पहुंचा दिए, अब लड़ाई शुरू है,
और वो बंदा भी तहकीक नहीं कर रहा है। आज मुआशरे में बिगाड़ और फसाद की सबसे बड़ी वजह जो है बगैर तहकीक के हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देना, बगैर तहकीक के हर सुनी सुनाई बात को फॉरवर्ड कर देना, हर आई हुई बात को शेयर कर देना। मुझे कह लेने दिया जाए समाज में सुकून कैसे कायम हो, समाज में अमन कैसे कायम हो, तो सुकून के लिए बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी बात की है। कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि साहब उल्टा सीधा मैसेज न किया करो, कुछ लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि कोई मैसेज फॉरवर्ड न करो, लेकिन बात किसकी हम सुनेंगे साहब? इन स्लोगन को मत देखो, अगर समाज में सुकून कायम करना है, अगर अमनो अमान कायम करना है, तो कहीं दूर मत चले, चले उसी बारगाह में जहाँ से जिंदगी की नहरे रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहाँ से चश्मे आबे हयात थूटता है, चले उसी बारगाह में जहाँ बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहाँ सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहाँ सलमान की जिंदगी को दरख्शंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहाँ सदाकत को, जहाँ सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहाँ उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहाँ उस्मान को सखावत का जज्बा वतियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहाँ मौला अली को शुजात का तुर्रे इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह खैरुल अनाम है, ये बारगाह सैयदुल अंबिया है, ये बारगाह खैरुल वरा है, ये बारगाह मुस्तफा जाने रहमत है, ये बारगाह शमे बज़्मे हिदायत है, ये बारगाह शहरयार इरम है, ये बारगाह ताजदार हरम है, ये मुस्तफा जाने आलम की बारगाह है, कौनैन के वाली की बारगाह है। मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका, मुकन्निन आज़म मुस्तफा दुनिया को कानून देते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं कफा बिल मर कज़बन अयुहद्दस बिकुल मा समिअ। एक इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। पैगंबर ने कितनी माकूल बात की है, अगर इसी पे अमल हो जाए तो सुकून कायम हो जाएगा। आका फरमाते हैं एक इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे वो बढ़ा दे। अब अगर आपको सच्चा बनना है तो खामोशी इख्तियार करें, बोलें तो कुरान की आयतें पढ़ें, गुफ्तगु करें तो आका की तारीफ व तौसीफ पर अपनी जबान को खोलें। अगर जबान को चलाना है तो ये जबान गीबत चुगली और इधर उधर की बात करने के लिए नहीं, बल्कि जबान आपकी हो, बातें पैगंबर इस्लाम की हो, बात मदीने के मुस्तफा की हो, आंखों में तस्बीह हो, जबान चलती रहे, दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहें, बे मतलब के कामों में अपने वक्त को बर्बाद न करें। मुझे कह लेने दिया जाए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पे अमल करने का ये नतीजा निकलेगा कि पूरी दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा, जलता हुआ मुआशरा अमन और शांति का गहवारा हो जाएगा, तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए अगर पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा को नाफिज कर दिया जाए तो दुनिया में सुकून कैसे कायम नहीं होगा, दुनिया में अमन कैसे कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने वक्त की कदर करें, अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी जवां मर्द बने। आपका आइडियल ये नचनीय और भजनीय नहीं है, आपका रोल मॉडल मोहम्मद इब्ने कासिम है, तारिक इब्ने ज़ियाद है, कुतैबा इब्ने मुस्लिम है, मोहम्मद अल फातह है, औरंगजेब आलमगीर है, शमसुद्दीन अल्तमश है। और मैं आगे बढ़ूं तो ये चूंकि सब सारे के सारे कमांडर और जर्नल इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा आइडियल और रोल मॉडल कोई और नहीं बल्कि मदीने के मुस्तफा जाने आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जाबसे, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।